जहाज महल मेरे को तो कुछ खास नहीं लगा, कंजस्टेड है असल में ना। हाँ, ना गाड़ी खड़ी करने की जगह है। हाँ। और ना कोई यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग वैसे पार्क में धूप सेकने आ रहे हैं, तो इसलिए जो भी बंदा यहाँ पे ना तो रिक्वेस्ट है मत आना, सामान का अपना ध्यान रखे, तो सामान का ध्यान रखे। पहली बात तो आना मत, आए भी तो सामान का ध्यान, क्योंकि सिर्फ यही चीज देखने की है, बस इतना जितना मैं दिखा रही हूँ ना अपने ब्लॉग में, सिर्फ यही देखने की चीज है। जो हमारे हस्ताल गाँव में भी थी एक कुतुब मीनार, तो दोस्तों ये है जहाज महल बोलते ही से, ये दिल्ली में है, दिल्ली के मेहरौली इलाके में, और मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, खास नहीं है ये, थोड़ा डर लगता है यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ये पार्क है, यहाँ पे बैठ के सिर्फ धूप सेक सकते हैं, अंदर जाने में मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं जाना पसंद नहीं करती। ये एंट्री गेट है जो कि काफ़ी गंदा एंट्री गेट इनकी यहाँ की। हाँ नहीं नहीं आ जा आ जा, अरे अकेली मत जाना। तो एंट्री गेट भाई, पुरानी जो चीजें है ना उनकी बात कुछ इस प्रकार की है। तहखाने से बने हुए हैं यहाँ पे ये। हिस्टोरिकल चीज लगती तो अच्छी है लेकिन मेंटेनेंस नहीं करी, मेंटेनेंस नहीं करती ना। ऊपर चला जाते ऊपर की सीढ़ियां नहीं आए, ऊपर का क्या रास्ता, सीढ़ी सीढ़ियों का है, झरोखा है इसमें, यहाँ पे फोटो खिंचवा सकते हो, झरोखे में फोटो खिंचवा सकते हो। चलो ये छोटा सा जीना है, ये है बस, है छोटा जीना है, छोटा सा जीना है, छोटा है तीन क्या है, ये जहाज महल। और यहाँ पे जहाज महल तो है लेकिन यहाँ पे जहाज भी बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, ये देखो कनाडा की है क्या, कनाडा है हाँ, कैपरी करके कुछ लिखा हुआ है। एयरपोर्ट हो गया इंटरनेशनल, जूम भी कर रखा है ना। वो क्या उधर झील है, क्या जीने पे क्यों देते हो मेरे को भाई, तो गई नहीं है। अरे उधर वो भी है, ले को एक सी देख, नहीं देख लो ना, छोड़ यार वहाँ चर्सी बैठे हुए थे ना, अच्छी वाइब नहीं है।